सबसे पहले पीएसयू बैंकों की बात करते हैं, क्या आपका हाउस व्यू यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव रहेगा और क्या यहाँ पर स्टॉक बाय किए जाए, और अगर येस तो टॉप पिक्स क्या होंगी? अनुज गुड आफ्टरनून। यस, हमारा व्यू अभी भी बहुत पॉजिटिव है। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स पे हमारा एक बड़ा ओवरवेट बना हुआ है पिछले 2 सालों से, वो अभी भी है। इस क्वार्टर के भी जो नतीजे आए हैं इसमें एक क्लियर डिफरेंशिएशन देखने मिल रहा है। पीएसयू बैंक्स के नंबर काफी बेटर आए वर्सेस प्राइवेट बैंक्स। यस्टरडे बैंक ऑफ बड़ौदा का कल रिजल्ट था, उस पर हमने अर्निंग्स अपग्रेड देखा, वो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट है, पर एसबीआई भी है। तो ये दो हमारे राइट नाउ टॉप आइडिया है, बट इन जनरल हमें पीएसयू बैंकिंग स्पेस अभी भी बहुत अच्छा लगता है। रीजन बड़ा सिंपल है, अभी भी ये 0.8 से लेके 1.1 1.2 प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहे हैं और इनके आरओई 17 से लेके लगभग 20% तक चले गए हैं। अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट का स्ट्रेस खत्म हो चुका है, तो एक बार आप इसको पीई के भी नजरिए से देखिए, प्राइस टू अर्निंग्स बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स अभी 5 से लेके 10 के पीई के बीच में है। तो हमें अभी भी वहां पे काफी रूम दिखता है अपसाइड का, क्योंकि बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। ओके, और टॉप पिक्स क्या होंगे यहाँ पे, क्या एसबीआई के साथ रहा जाए या फिर थोड़े से छोटे पीएसयू बैंक्स बेटर रहेंगे? बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक एंड कैनरा बैंक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा है। ओके, ऐसा कोई कारण इनको पिक करने का? स्ट्रेंथ इन द ओवरऑल अंडरलाइंग ऑपरेटिंग पैरामीटर्स। कल आपने देखा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो निम है वो पिछले 2 क्वार्टर जो गिरा था वापस से रिबाउंड किया, जबकि मोस्ट ऑफ द अदर बैंक्स अभी भी निम में थोड़ा सा कंप्रेशन है। दूसरा, हमने देखा कल प्रोविजनिंग कॉस्ट अगर आप देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो बहुत नीचे आ चुका था। पूरे 10 लाख करोड़ के टोटल लोन बुक में नेट एनपीए अब केवल 7,000 करोड़ बचा है, विच इज 0.7%। अगर आप 4-5 साल पीछे जाए तो यही नेट एनपीए 4-5% तक हुआ करता था। इसलिए आपके आरओई काफी स्ट्रांग हो गए हैं, आरओए भी 1% प्लस हो चुके हैं, और अभी भी जैसे मैंने कहा वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। इसलिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में पीएसयू बैंक्स पे अभी बहुत बड़ा ओवरवेट अभी भी हमने बना के रखा है। ओके, गौतम जी, आज के अगर मैं बजट स्पीच को छोड़ दूं कुछ देर के लिए, अर्निंग्स पे फोकस करते हुए और प्राइस रिएक्शन देखूं, तो आज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट सबसे स्ट्रांग मूव देके खड़ा हुआ है, 9% है। अभी प्राइस वाइज वी हैव टू लीडर्स इस आई थिंक एंटायर स्पेस, टाटा कंज्यूमर और गोदरेज सीपी। अभी आपका एफएमसीजी में पिकिंग ऑर्डर क्या है गौतम जी? सो देखिए, कंजम्पशन एक बहुत बड़ा स्पेस है। इसमें अगर आप ऊपर से देखें तो हमारा जो अभी भी बायस है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की तरफ है। जो मेरे मॉडल पोर्टफोलियो में 8 कंजम्पशन स्टॉक्स है उसमें से 7 डिस्क्रिशनरी है, केवल एक स्टेपल है जो कि आईटीसी है। रही बात प्योर एफएमसीजी की, तो इसमें अगर आप पिकिंग ऑर्डर देखें तो सबसे पहले आईटीसी, फिर गोदरेज कंज्यूमर और फिर टाटा कंज्यूमर, राइट। ये स्पेस एक बहुत ही सॉफ्ट दौर से गुजर रहा है पिछले 3 साल से। वॉल्यूम ग्रोथ लगभग अपसेंट रही है, आपने हिंदुस्तान लीवर के नतीजे देखे, मैरिको के नतीजे देखे, डाबर के देखे। डाबर ने इस क्वार्टर में काफी हेल्दी परफॉर्मेंस दिया है, 5-6% वॉल्यूम ग्रोथ, बट पिछले 5-10 साल का अगर आप कंपाउंडिंग देखे टॉपलाइन ग्रोथ का, तो हार्डली 1 या 2 कंपनी ने 10% प्लस कंपाउंडिंग दिया है टॉपलाइन ग्रोथ पे। तो कंजम्पशन बहुत ही म्यूटेड रहा है इकोनॉमी में, स्पेशली रूरल कंज्यूमर स्टॉक्स। विद इन दैट अगर आप देखते तो जो कंपनीज में फूड कैटेगरी का प्रेजेंस ज्यादा है, चाहे नेस्ले हो, टाटा कंज्यूमर हो, ब्रिटानिया हो या वरुण बेवरेजेस हो, उन्होंने होम एंड पर्सनल केयर कैटेगरी वाले कंज्यूमर कंपनीज को आउट परफॉर्म किया है। सो हमारा नजरिया है कि कंजम्पशन में हम ओवरवेट है, बट हमारा सारा ओवरवेट डिस्क्रिशनरी पे है, जहां पे हमारा नंबर वन प्रेफरेंस आज भी टाइटन है, और उसके बाद फिर इंडियन होटल, लेमन ट्री, मेट्रो, जोमैटो, डीमार्ट और रेस्टोरेंट ब्रांड, ये सब हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। ओके, इस बीच बजाज फाइनेंस स्क्रीन पे लिखाइएगा 6750 डील ऊपर, और क्योंकि हम एक आज थर्सडे हो गया ऑलमोस्ट, हम एक वीकेंड की तरफ भी बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स अगर ये क्लोजिंग यहाँ पे भी आती है तो ये 100-week एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगा बजाज फाइनेंस का। कौतम जी, हमने ये मेरे ख्याल से ऐसा बुल रन देखा जब हम विदाउट B2 ऑल टाइम हाई पे देख रहे हैं, मतलब अमूमन ऐसा होता था कि निफ्टी का हाई बनता था तो उस दिन बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का भी हाई लगता था। इस बार इस हाई में निफ्टी के और बजाज फाइनेंस के प्राइस परफॉर्मेंस में 15% का डिफरेंशियल है। बजाज फाइनेंस पे आपका आउटलुक और इस वक्त एनबीएफसीज में आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है? तो देखिए, बजाज फाइनेंस ने बहुत ही
लंबे समय तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन किया है पिछले 10-15 सालों में। दूसरी बात, कंपनी का आपको अब साइज भी अप्रिशिएट करना होगा, राइट? इनका जो एयूएम है 3 लाख प्लस 3 करोड़ के आसपास जा रहा है, तो भी उस साइज पे भी वे 25 से 30% का ग्रोथ अभी भी हमें दिख रहा है। अगला 2 साल का ग्रोथ कंपाउंडिंग 27% का प्रॉफिट ग्रोथ का हमारा अनुमान है। रही बात स्टॉक प्राइस की, तो बाजार में ऐसे दौर बहुत आते हैं जब स्टाइल चेंज होता है। कभी क्वालिटी का स्टाइल होता है, कभी ग्रोथ का स्टाइल होता है, कभी वैल्यू, कभी सिक्लिकल। आज पिछले 2 सालों से जो हम समय देख रहे हैं वो एक सिक्लिकल और वैल्यू और इंडस्ट्रियल्स, इन सेक्टर्स के स्टॉक्स का चल रहा है। इसलिए बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये जो बहुत एक एक पीरियड था जहाँ 2012-13 से लेके 2020 तक इन्होंने बहुत अच्छा कंपाउंडिंग किया था, इनके वैल्यूएशंस काफी ऊपर चले गए थे। अब वहां पे आपको थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है। बिजनेस में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मार्केट का तरीका है वैल्यूएशंस थोड़े से नॉर्मलाइज करने का। जहां तक हमारे पोर्टफोलियो की बात है, हमने ये क्वार्टर में जब हमारा मॉडल पोर्टफोलियो रिवाइज किया था 1st वीक ऑफ जनवरी में, तब हमने बजाज फाइनेंस मॉडल पोर्टफोलियो से निकाल दिया था, उसके जगह हमने IIFL फाइनेंस और PNB हाउसिंग फाइनेंस डाला था, और साथ ही में हमारे पास एंजल ब्रोकिंग पे एक बड़ा वेट है पिछले कई टाइम से। वो स्टॉक भी काफी अच्छा किया है, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, और वहां पे हमारा लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म नजरिया भी बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज इंडिया में एक स्ट्रक्चरल पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है इक्विटी मार्केट को लेके। आप देख रहे हैं दिसंबर के महीने में 40 लाख डीमैट अकाउंट खुले हैं, सिप का नंबर आप देखते ही रहते हैं। तो ओवरऑल इक्विटी कल्चर जो बढ़ रहा है, मुझे लगता है एंजल और कई सारे और भी कैपिटल मार्केट नॉन लेंडिंग प्लेस है जो ये पूरे एक थीम से बेनिफिट करेंगे अगले 3 से 5 साल में। गौतम, गुड आफ्टरनून। एक स्टॉक जो जिस पर सबसे पहले शायद आप ही डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस में थे, बुलिश हुए थे, पेटीएम। आज के हादसे के बाद ऑफ कोर्स 3:30 का इंतजार होगा सभी को कि मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में क्या कहता है, लेकिन RBI का ये जो कठोर एक्शन आया है उस पर आपकी क्या राय है, और अगर आपकी यहाँ पर पोजीशन थी तो अब यहाँ से अगला कदम क्या रहेगा? अर्शदा, सबसे आखिरी में हमने पेटीएम पे कवरेज किया था, फैक्चुअली लास्ट ईयर अप्रैल में 550 के दाम पे। वहां से स्टॉक थोड़ा चला था, फिर नीचे आया, काफी वोलेटाइल रहा डिपेंडिंग ऑन हाउ द रिजल्ट्स वेयर। जो कल का एक्शन है काफी सीरियस एक्शन रहा है। हमने आज सुबह जो हमारा रिपोर्ट निकाला है पेटीएम पे, उस पर रेटिंग हमने डाउनग्रेड की है फ्रॉम बाई टू न्यूट्रल। अभी मैनेजमेंट इस पे क्या क्लैरिटी देता है वो देख के हम इस पे कोई व्यू बनाएंगे, क्योंकि नंबर्स पे व्यू बनाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। प्लस ये एक्शन मोर देन जस्ट अ क्वांटिटेटिव पॉइंट, इवन इट कैन हैव अ सीरियस इम्प्लीकेशन फॉर द मल्टीपल्स। तो थोड़ा सा ये स्टॉक साइडवेज या और करेक्ट हो सकता है, बिकॉज ये काफी सीरियस टाइप का ये एक्शन रहा है RBI का। बहुत रेयरली हमने ऐसे एक्शंस देखे हैं, तो समझना पड़ेगा बिजनेस का कैसे इवोल्यूशन होगा, किस सेगमेंट में मैनेजमेंट क्या करेक्टिव एक्शन लेगा, और ये स्टेप्स वापस कब लिए जाएंगे। काफी एक अनसर्टेनिटी का माहौल अभी रहेगा इस स्टॉक पे। अच्छा, एक स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पे, लेट्स ब्रिंग हुडको। आज CNBC आवाज के पैनल में सुबह चंदन तापड़िया मौजूद थे, उनकी कैश कॉल थी, और ये बात मैंने कही भी थी कि अनसर्टेनिटी में, अनिश्चितता में चंदन हमेशा कैश की कॉल की तरफ फोकस करते हैं। लेकिन हुडको 17.5%। चंदन स्टूडियो में मौजूद हैं। चंदन, बेहतरीन कॉल थी, ये बुक कर लें या फिर ले चलें अभी, कैरी कर लें? देखिए वीरू, काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे है, और इसके लिए सुबह एक ही कॉल सजेस्ट किया था हुडको, और आई थिंक बस 20% के सर्किट के लिए तैयार है। जिस हिसाब से सेटअप बना है, स्ट्रक्चर बना है, मूवमेंट बरकरार रहना चाहिए। इंट्राडे है वो 20% के लिए सर्किट के लिए वेट कर रहे हैं, कर सकते हैं, और पोजिशनल है वो अभी भी यहाँ पे 220-230 तक के टारगेट को होल्ड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रेलिंग पोजिशन बना के काउंटर को होल्ड किया जा सकता है। अभी भी मौजूदा लेवल से 25-30% की रैली बननी चाहिए। इंट्राडे के लिए 20% सर्किट के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। तो जी हाँ, इनफैक्ट 3% ही दूर इस समय। चंदन, लगे हाथ कोई इस समय का ताज़ा ट्रेड है तो वो भी बताइए। जी देखिए, नए ट्रेड सेटअप की आप बात करें तो यहाँ पे सेलेक्टिव काउंटर परफॉर्म कर रहे हैं। मैं एक स्टॉक्स यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ रियल इस्टेट से। रियल इस्टेट काउंटर यहाँ पे प्रेस्टीज पे ध्यान दिया जा सकता है। मेजर सेटअप पॉजिटिव आज जरूर, हल्का सा कंसोलिडेशन मूव है, बट जिस हिसाब से वीकली सेटअप के बाद आज कंसोलिडेट हो रहा है, नई रैली यहाँ पे बननी चाहिए, और मौजूदा लेवल पे खरीदारी की सलाह रखेंगे 1240-43 के आसपास लें। 1215 के आसपास के सपोर्ट होंगे, 1290 तक के टारगेट रहेंगे। तो प्रेस्टीज पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी रियल इस्टेट की तरफ से। रियल्टी में भी एक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट
हम हाउसिंग फाइनेंस अभी अभी मेंशन भी कर रहे थे और गौतम आपने खुद कहा कि पीएनबी हाउसिंग एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब देखिए पीएनबी हाउसिंग, रेपको होम फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स आसमान छू रहे हैं, डे हाई के आसपास कारोबार कर रहे हैं। लेकिन ये जो सरकार ने फिर से हाउसिंग फॉर ऑल पर जोर दिया है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां एक तरफ, दूसरी कौन सी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी जहां पर अब भी मौका है कुछ बेहतरीन कमाई का और शायद वो अर्निंग्स भी कंपनियां डिलीवर करके देंगी, इस थीम के मद्देनजर? सो रियल एस्टेट इटसेल्फ इज अ वेरी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी। हमने अर्शदा इस पे हमारा वेट 4 गुना बढ़ाया था मॉडल पोर्टफोलियो में, जो 1% वेट होता था वो 4 किया। जो लास्ट ईयर हमारा ईयर ऑफ द आइडिया ऑफ द ईयर था CY23 का प्रेस्टीज, 400 से लगभग आई थिंक 1200-1300 रुपए का भाव चल रहा है। हमने इस साल शोभा पे एक रिपोर्ट निकाली है, CY24 का आइडिया ऑफ द ईयर शोभा है जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में मौजूद है। गोदरेज प्रॉपर्टी जो हमने पिछले साल मार्च में ऐड किया था मॉडल पोर्टफोलियो में 1000 रुपए पे, उसको अभी 2000 रुपए पे हमने वेट और बढ़ाया था जनवरी में जब मॉडल पोर्टफोलियो रिवाइज किया था। तो ये एक बहुत डायरेक्ट प्ले है। इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी जिसको हम सेकंड थर्ड ऑर्डर बेनिफिशियरी कहते हैं, उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स है, ड्यूरेबल्स है, केबल एंड वायर कंपनीज है, काफी सारे जो डिस्क्रिशनरी सेगमेंट्स जिसे जो कहलाए जाते हैं कंजम्पशन में, वो भी इसके एक बेनिफिशियरी बन सकते हैं। ऑब्वियसली एज यू मेंशन्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जिसमें हमने IIFL फाइनेंस, PNB हाउसिंग दोनों का जिक्र किया था जहां हमने मॉडल पोर्टफोलियो में उनको एडिशन किया था बजाज फाइनेंस निकाल के। अब गौतम मेरा फाइनल सवाल आपसे यही है कि अब बजट, ये इंटरिम बजट आ चुका है, वो बड़े बजट की तरफ सब सबकी नजरें रहेंगी, आई गेस दैट्स द नेक्स्ट मेगा इवेंट टू रिएक्ट ऑन इलेक्शंस के बाद। लेकिन यहां से इलेक्शंस तक अब ड्राइविंग फैक्टर क्या रहेगा और आप अपने आप को कैसे पोजिशन करना चाहेंगे उस अगले बड़े इवेंट के लिए समय बाजार में? सो अर्शदा बहुत सही सवाल है आपका। देखिए निफ्टी अगर आप देखते हैं आज तो अभी भी 19.5 से 20 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड कर रहा है, राइट? तो सारे आप नॉइज बाजू में कर दीजिए, बजट, इलेक्शंस, ग्लोबल मैक्रो, फेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, भारतीय बाजारों ने पिछले 5 साल में केवल एक ही चीज का रिस्पेक्ट किया है, वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। 5 साल का अगर आप CAGR देखते हैं निफ्टी का और निफ्टी इंडेक्स EPS का, तो दोनों कॉन्वर्ज होते हैं 15% और 17% पे। तो आगे भी यही रहेगा। इन बिटवीन आपको कई ऐसे पीरियड्स ऑफ यूफोरिया एंड डिस्पेयर आएंगे डिपेंडिंग ऑन द न्यूज। एज ऑफ नाउ सबसे बढ़िया बात जो है और आज के बजट ने उस पर काफी एक थप्पा लगाया है कि इंडिया के मैक्रो बहुत सॉलिड है, राइट? अगर आप 5.1% फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं ऐसे साल में जहां पे गवर्नमेंट अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन लड़ने जा रहा है, यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू स्पेंडिंग इस साल के लिए केवल 3% बढ़ाया है, सब्सिडीज कम हुई है अक्रॉस द बोर्ड, मनरेगा का एलोकेशन सेम है, एक बहुत कॉन्फिडेंस का ये स्टेप है मेरे हिसाब से। इन ए ईयर जहां गवर्नमेंट इतना बड़ा इलेक्शंस लड़ने जा रही है, उन्होंने बजट में फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल कंसोलिडेशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी दिया है। वो दर्शाता है कि गवर्नमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि जुलाई का बजट भी वही पेश करेंगे, जो कि आज फाइनेंस मिनिस्टर ने आई थिंक स्पीच के दरमियान कहा भी था कि जुलाई में हम फिर से यही बजट थोड़ा डिटेल इसमें पेश करेंगे। तो मुझे लगता है बाजार जहां तक नियर टर्म का सवाल है, इलेक्शंस को लेके काफी कैटलिस्ट रहेंगे, उस पर रिएक्शन होगा। और अभी अगले 15 दिन तो अर्निंग सीजन बहुत पीक पे रहेगा। अभी तक हमारे कवरेज में 135 कंपनीज के नतीजे आ चुके हैं जहां पे नतीजे एक्सपेक्टेशन से बेटर है। 28% के ग्रोथ के सामने अभी तक 34% ग्रोथ आया है और निफ्टी के जो 30 कंपनीज ने अभी तक अपने नतीजे डिक्लेयर किए हैं उसमें 19% एक्सपेक्टेशन था ग्रोथ का, अर्निंग्स 19 आया है। तो आज का दिन अगर आप छोड़ देते हैं बजट का, तो मुझे लगता है कल के बाद मार्केट फिर से अर्निंग्स, मैक्रो, इलेक्शन रिलेटेड न्यूज फ्लो, इन सब पे रिएक्ट करेगा। तो मुझे अभी भी बाजार में अपसाइड दिखता है क्योंकि अर्निंग्स में अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ग्रोथ FY24 और FY25 का दिख रहा है और वैल्यूएशन अभी भी निफ्टी के 19.5 से 20 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर ये फिस्कल डेफिसिट रहा और आपका बॉन्ड यील्ड, इन्फ्लेशन ये सब नीचे आता है थोड़ा सा, तो इक्विटी वैल्यूएशंस के लिए भी वो काफी सपोर्टिव कदम साबित हो सकता है। गौतम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए।